साइप्रस एक छोटा सा द्वीप है। ये समुद्र में इसराइल, लेबनान, ग्रीस और मिस्र जैसे देशों से घिरा हुआ है। तुर्की से साइप्रस की दूरी 65 किलोमीटर है। सीरिया की सीमा से इस द्वीप की दूरी करीब 100 किलोमीटर है, जबकि ग्रीस से 770 किलोमीटर दूर है। लेबनान से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। इसराइल से इसकी दूरी 472 किलोमीटर है। अब साइप्रस के हवाई अड्डे का इस्तेमाल इसराइल लेबनान पर हमले के लिए करने वाला है। साइप्रस इसराइल को अपना एयरबेस देगा। यहां से लेबनान पर हमला बेहद आसान है। साइप्रस में इस वक्त इजरायली सेना मौजूद है, यहां ब्रिटिश आर्मी की भी मौजूदगी है। यहां हथियार के कई डिपो बनाए गए हैं। यही वजह है कि हिजबुल्ला ने यहां हमले की धमकी दी है। साइप्रस सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। ये मिसाइल की रेंज में आसानी से आ जाएगा। ड्रोन से भी यहां आसानी से हमला किया जा सकता है। साइप्रस द्वीप के जरिए इसराइल को मदद भी मिलेगी। यहां अमेरिका से हथियार आएंगे। यहां कार्गो शिप के लिए बंदरगाह बना हुआ है। एयरबेस पर विदेशी विमान लैंड कर सकते हैं। इसराइल को हथियार सप्लाई के लिए भी साइप्रस अहम जगह है। नसरल्ला ने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन इसराइल से युद्ध के ऐलान के बाद अमेरिका से मदद की शुरुआत हो चुकी है। ये अमेरिका का न्यूक्लियर पावर से लैस यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इसराइल के हाइफा पहुंच चुका है। गाजा में ऑपरेशन की शुरुआत के बाद भी अमेरिका ने इसराइल को बैकअप देने के लिए ऐसा ही किया था। अमेरिका के साथ अब साइप्रस का पहला एक्शन भी सामने आया है। लेबनान में मौजूद साइप्रस एम्बेसी ने वीजा जारी करना बंद किया है। साइप्रस को आशंका है कि लेबनान से हिजबुल्ला के लड़ाके साइप्रस पहुंच सकते हैं। साइप्रस में इजरायली सैनिकों का युद्धाभ्यास भी शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा विभाग के हवाले से दावा है कि अब इजरायल को रोकी गई हथियार की सप्लाई भी खत्म होगी। इजरायल को जल्द अमेरिका से नए हथियार मिलने वाले हैं। अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जाहिर हो चुका है कि हिजबुल्ला की ताकत कैसे और किसने बढ़ाई है। बहुत पहले अमेरिका को ये जानकारी मिल गई थी कि रूस ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत कर रहा है। वैगनर फोर्स के जरिए प्रॉक्सी संगठनों को हथियार मिले हैं। नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें भी होती हिजबुल्ला को दी गई हैं। पिछले दिनों ईरान और इसराइल के बीच हुई बारूदी झड़प के बाद भी ये साफ हो गया था कि ईरान प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इसराइल से बदला लेने की तैयारी कर चुका है। हिजबुल्ला के साथ होती भी बड़े हमले की तैयारी में है। ये ग्रीस के जहाज पर होती के हमले का वीडियो है। होती ने हमले के लिए सरफेस ड्रोन का इस्तेमाल किया है। जहाज में जोरदार धमाका हुआ और एक दिन पहले ही यह खबर आई थी कि इस जहाज को समुद्र में डूबने से बचाया नहीं जा सका। एक रिपोर्ट में दावा है कि होती ने रूस का सामान ले जाने वाले जहाज पर हमला किया। इससे पहले 12 जून को लाल सागर में एक शिप पर हमला हुआ था। उस पर 3 एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया। झड़प के बीच अमेरिका ने होती की मिसाइल और ड्रोन को गिराने का दावा किया है। अमेरिका ने यमन में मिसाइल लॉन्चेस पॉइंट पर भी हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेनी सेना ने हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन हमले में रूस की 2 BMPs और टैंक तबाह हो गए। यूक्रेन का एंटी टैंक मिसाइलों से जबरदस्त अटैक देखने को मिला है। क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले लगातार जारी हैं। 20 जून की सुबह भी यूक्रेन ने क्रीमिया के चाउरा इलाके में हमले किए हैं। यूक्रेन क्रीमिया को जीतने की जंग लड़ रहा है, तो रूस को पुतिन के साम्राज्य विस्तार को प्लान को ये अहम हिस्सा बचाने के लिए बड़े जतन करने पड़ रहे हैं। यूक्रेन क्रीमिया दोबारा हासिल करने के लिए नई रणनीति बना चुका है और रूस ने इस क्षेत्र को बचाने के लिए ब्लैक सी फ्लीट को दोबारा मजबूत करने का अभियान शुरू कर दिया है। देखिए यूक्रेन की रणनीति क्या है और रूस क्रीमिया बचाने के लिए सैन्य मोर्चे पर क्या काम कर रहा है।
क्रीमिया पेनिनसुला का छोटा सा इलाका रूस के यूक्रेन पर विजय का प्रतीक है। और 2022 से शुरू हुए युद्ध में यूक्रेन का लक्ष्य है रूस से क्रीमिया वापस लेना। इसीलिए यूक्रेन की सेना लगातार क्रीमिया पर हमले कर रही है। बीस जून की सुबह यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया के केप चाउरा इलाके पर हमला किया। ये इलाका क्रीमिया के पूर्वी छोर पर है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स के मुताबिक यूक्रेन ने केप चाउरा में रूस के कामिकाजे ड्रोन गोदाम को निशाना बनाया है। बीस जून की सुबह सागर तट के करीब केप चाउरा में धुआं उठता नजर आया। इस हमले में रूस को कितना नुकसान हुआ है ये साफ नहीं है, लेकिन ड्रोन गोदाम पर यूक्रेन ने सटीक हमला करने का दावा किया है। यूक्रेन ने अमेरिका से मिले इनपुट के बाद यह हमला किया। अमेरिका के जासूसी ड्रोन ने रविवार को क्रीमिया की रेकी की थी। इसके बाद यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GOR ने ऑपरेशन डिजाइन किया। यूक्रेन की कामिकाजे ड्रोन टीम ने इनपुट के आधार पर सटीक हमला किया। यूक्रेन क्रीमिया को जीतने के लिए तीन तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इनमें सबसे पहले है समुद्री ड्रोन, फिर कामिकाजे ड्रोन और तीसरे नंबर पर है स्कैल्प, स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल और अमेरिका से मिली अटैक एमएस बैलिस्टिक मिसाइल। यूक्रेन पहला ऐसा देश है जिसने अनक्रूज सरफेस वेसल अटैक टीम तैयार की और अब क्रीमिया पर बड़े हमलों के लिए अपने समुद्री ड्रोन में नए बदलाव कर रहा है। यूक्रेन के नए समुद्री ड्रोन का नाम है स्टॉकर 5.0। ये ड्रोन 5 मीटर लंबा है, इसमें 60 हॉर्स पावर का स्पीड इंजन लगा है और ये 150 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। इसकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये एक बार में 600 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। यूक्रेन इससे कर्च ब्रिज पर हमले की प्लानिंग बना रहा है। क्रीमिया के कर्च ब्रिज के ध्वस्त होने का मतलब है रूस का क्रीमिया से रेल और रोड कनेक्शन कटना। इसीलिए यूक्रेन रूस के कर्च ब्रिज पर हमला करके उसे ध्वस्त करना चाहता है। इसके साथ ही यूक्रेन क्रीमिया में रूसी ठिकानों को निशाना बना रहा है। रूस ने सेवस्तोपोल बे से अपने सभी बड़े युद्धपोत हटा लिए हैं और अब कर्च ब्रिज की सुरक्षा में वो भी यूक्रेन की तरह नए ड्रोन तैनात करने वाला है। ये रूस का नया समुद्री ड्रोन है जो कर्च ब्रिज और क्रीमिया के नेवल बेस की सुरक्षा में तैनात होने वाला है। रूस का समुद्री ड्रोन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। ये 500 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है और इसमें 1 टन तक विस्फोटक भरे जा सकते हैं। इस ड्रोन को अब क्रीमिया में तैनात किया जाएगा। ये यूक्रेन के समुद्री ड्रोन को ट्रेस करके उन्हें ध्वस्त करेगा। क्रीमिया पर इस साल यूक्रेन ने जबरदस्त हमले किए हैं। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के सत्रह जून को भी यूक्रेन ने पोर्ट सिटी क्रीमिया पर हमले किए, जहां सेवस्तोपोल और नोवोरोसिस्क को निशाना बनाया गया। इसके अलावा क्रीमिया में लगे डिफेंस सिस्टम को भी तहस नहस कर दिया गया। बीते 2 महीने में क्रीमिया की जमीन पर यूक्रेन ने रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के हमलों से क्रीमिया जल रहा है। इसकी बड़ी वजह है रूस के डिफेंस सिस्टम का खात्मा।
यूक्रेन ने क्रीमिया के चोर्नोमोर्स्का में तैनात रूस के दो डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए, जबकि तारखनकुर्त में एक S-400 तबाह कर दिया। ये फोटोरिया में एक S-300 पर हमला करके उसके रडार सिस्टम को जला दिया। साकी में भी एक डिफेंस सिस्टम रूस को गंवाना पड़ा है। बेल्बेक में लगे S-400 डिफेंस सिस्टम को भी यूक्रेन ने तबाह कर दिया, जबकि सेवस्तोपोल में लगे 3 S-300 पूरी तरह बेकार कर दिए। आई पैत्री पर्वत में एक डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया। लुस्ता में एक S-400 यूक्रेन के हमले में तबाह हो गया। इसी तरह डोंस्के में एक डिफेंस सिस्टम रूस को गंवाना पड़ा। जनकोई में 2 S-300 डिफेंस सिस्टम नष्ट हो चुके हैं। वाइसोवा में लगे डिफेंस सिस्टम S-400 को यूक्रेन ने उड़ा दिया। और इस तरह 2 महीने में 15 डिफेंस सिस्टम तबाह करके यूक्रेन ने क्रीमिया के युद्ध में बढ़त बना ली है। जेलेंस्की ने 2024 में क्रीमिया विजय का लक्ष्य रखा था और यूक्रेनी सेना उसी तरफ बढ़ रही है। यूक्रेन के पास क्रीमिया में गंवाने को कुछ नहीं है, जबकि रूस क्रीमिया की जंग में आत्मरक्षा में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।